साल 2001 में आई सन्नी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म गदर एक प्रेम कथा को आखिर कौन भूल सकता है। सन्नी देओल की एक्टिंग और दमदार डायलॉग ने लोगों को फिल्म का फैन बना दिया था। और आपको बता दें कि गदर 2 के चाहने वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। फिल्म का दूसरा पार्ट जल्द ही रिलीज होने जा रहा है। इसकी शूटिंग पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में चल रही थी, जो कि अब पूरी हो चुकी है। खबर आ रही है कि निर्देशक अनिल शर्मा की इस प्रतिष्ठित पीडीएम ड्रामा फिल्म गदर 2 ने लखनऊ की शूटिंग भी पूरी कर ली है। गदर 2 के सेट से सामने आती खबरों के मुताबिक फिल्म ने काफी हद तक शूटिंग पूरी कर ली है। सनी देओल और अमीषा पटेल स्टार्टर इस फिल्म की टीम ने लगभग 80% शूटिंग पूरी कर ली है। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग का अगला शेड्यूल इसी साल जून में शुरू करा जाएगा। आपको बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग बाराबंकी शहर में स्थित जिला कारागार में भी हुई है। आपको बता दें कि इस सीक्वल को शूट करने के लिए फिल्म के प्रोड्यूसर और निर्देशक ने सरकार से अनुमति ले ली थी। फिल्म की शूटिंग पहले 16 अप्रैल को शुरू होनी थी, लेकिन इसी कारण के चलते टीम वहां नहीं पहुंच सकी। इसके बाद शूटिंग 20 अप्रैल को शुरू हुई थी और अब खत्म भी हो चुकी है। आपको बता दें, सनी देओल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर तारा सिंह के लुक में अपनी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, केवल कुछ भाग्यशाली लोगों को ही अद्भुत किरदारों को जीवन में वापस लाने का मौका मिलता है। इस साल के बाद है पेश है तारा सिंह। आगे सनी देओल ने लिखा, गदर 2 की शूटिंग करके बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। निर्देशक निर्माता अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित और स्टूडियो द्वारा निर्मित इस फिल्म में सुपरस्टार सनी देओल और अमीषा पटेल मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म साल में अंत तक सिनेमाघरों में रिलीज कर दी जाएगी। उम्मीद है कि फिल्म वैसे ही जादू बिखेर पाएगी जैसा कि पहले पार्ट में बिखेरा था। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.